जय सियाराम, जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम श्री सुंदरकांड का 17वां दोहा आपको बता रहे हैं। तो 17वां दोहा जानने से पहले हम थोड़ा सा प्रसंग समझ लेते हैं कि प्रसंग क्या चल रहा था। तो 16वें दोहे में हनुमान जी महाराज बताते हैं कि जो बंदर हैं, जिनमें बुद्धि और बल विशाल नहीं है, है ना, फिर भी भगवान की कृपा से जब एक छोटा सा सर्प बहुत बड़े गरुड़ को खा सकता है, तो हम वानर भी इस लंका पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा अर्थ 16वें दोहे का था। 17वें दोहे में प्रसंग ये चलता है कि हनुमान जी महाराज और श्री जानकी मैया के बीच में वार्तालाप होता है। ऐसा तो उनको संतोष हो जाता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी। तो भगति प्रताप और तेज और बल से सनी हुई जब बात सुनते हैं हनुमान जी महाराज की, तो उनको विश्वास हो जाता है। इसके पश्चात हनुमान जी महाराज भोजन करने का जिक्र करते हैं कि इस वाटिका में फल लगे हुए हैं, मेरा मन है कि थोड़ा सा कौतुक करूं, फल खाऊं, है ना। तो जानकी मैया देख लेती हैं कि बुद्धि और बल में निपुण है हनुमान जी महाराज। तो 17वां दोहा इस प्रकार है कि देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहे हु जानकी जाहु, रघुपति हृदय चरण धरी, ताते मधुर फल खाहु। तो इस प्रकार जानकी मैया कहती हैं कि रघुपति अर्थात श्री रामचंद्र जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मीठे मीठे फलों को खाओ, और इस प्रकार वो आज्ञा दे देती हैं। तो हनुमान जी महाराज चले जाते हैं। आगे का अर्थ 18वां दोहा अगली वीडियो में मिलेगा। उसको देखने के लिए हमारे चैनल आरके राय सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जिस भी प्रसंग पे आप वीडियो चाहते हैं उस पर आप कमेंट करें, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। जय सियाराम, जय श्री सीताराम।